जय माता दी। कैसे हो आप? मैं आपकी अष्ट राशि आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं बात करूंगी माँ की सातवीं शक्ति के बारे में, माँ के सातवें स्वरूप के बारे में। माँ का सातवां स्वरूप माँ कालरात्रि का होता है। कालरात्रि काल का नाश करने वाली होती है, इसीलिए माँ का नाम कालरात्रि पड़ा। माँ का रंग काला होता है। माँ के जो बाल होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं। माँ के आंखों में से अग्नि की वर्षा होती है। माँ के गले में एक माला होती है जो विद्युत की तरह चमकती होती है। माँ की सवारी गधे की होती है। माँ की चार भुजाएं होती हैं। माँ का रूप विकराल जरूर होता है, लेकिन माँ हमेशा शुभ फल देने वाली होती है। आपको क्या करना है? आपको सुबह उठकर अपने मेन गेट की सफाई करनी है। उसके पश्चात आपने नहाकर लाल वस्त्र धारण करने हैं। फिर आपने अपने मंदिर में गंगा जल छिड़कना है। उसके बाद आपने माँ कालरात्रि की पूजा करनी है। कालरात्रि माँ की पूजा करने से जो भी अकाल मृत्यु दोष या भय होता है, जो नजर दोष होते हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं बन रही है, तो आपको क्या करना है? आपको माँ कालरात्रि को रात की रानी का फूल अर्पित करना है। ऐसे करने से माता रानी जल्दी प्रसन्न होती है और आपकी सभी इच्छाओं को पूरी करेगी। माँ को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। अगर आप के जीवन में कोई भी कष्ट आ रहे हैं, कोई भी संकट आ रहे हैं, तो आपको माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। वो आपके सभी संकटों को दूर कर देगी। जय माता दी।